भाइयों बहनों, अपना किचन में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पालक सांबार। भाइयों बहनों, अपना चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए, बाजू में बेल बटन वो भी दबा के रखिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तूर का दाल साफ करके धो के पानी के साथ रखी हूँ। आधा टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, छः सात लहसुन के टुकड़े, दो लाल टमाटर बारीक काट के वो भी मिला रही हूँ, एक बड़ा साइज कांदा बारीक काट के उसे भी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये जो पानी है मैं आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, आप भी अपने हिसाब से ले लीजिए। एक छोटा सा पीस हींग डाल रही हूँ, आप हींग का पाउडर अगर डालेंगे तो आधा टीस्पून डालिएगा। अभी ढक्कन लगा के एक सीटी खाली हम देंगे इसे। अभी हो गया एक सीटी में, दाल रेडी हो गया। देखिए एक बड़ा साइज चम्मच से इसको मैश करके लेंगे, ज़्यादा भी मैश नहीं करने का, दाल हमें दिखना चाहिए तभी इसकी टेस्ट अच्छा रहेगा। अभी साफ करके धोया हुआ एक गड्डी पालक बारीक कटी हुई मिला रही हूँ। इसका स्टेम नरम रहेगा तो वो भी आप काट के सांभर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक मिला के मिक्स करके लेंगे। इसमें सांबार पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सांबार पाउडर डालने से हमें पालक का ओरिजिनल टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट बदल जाएगी, इसलिए सांबार पाउडर मत मिलाइए। पालक डाल के खाली 5 मिनट स्लो फायर में हम पका के लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अभी ये रेडी हो गया, गर्मा गर्म चावल के साथ ये सांबार डालिएगा। थोड़ा सा घी डाल के बच्चों को आप दे सकते हैं, एकदम खुशी से खा के ख़त्म कर देंगे। चपाती के साथ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अभी छोटा सा एक तड़का इंडियन स्टाइल में हम अभी देंगे। कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, राई आधा टीस्पून, थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा सूखी मेथी, सूखा मिर्च 2-3 ऐसे तोड़ के डालिएगा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक बाहरी कटी हुई थोड़ा सा कांदा, एक नहीं है थोड़ा सा कांदा डालेंगे, भूनेंगे ब्राउन कलर आने तक। अभी हो गया ब्राउन कलर, अभी सांभर के साथ इसे मिलाएंगे, एकदम बढ़िया खुशबू भी आ रही है। भाइयों बहनों, आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया करती हूँ आपसे। थैंक यू, शेयर करिए ज़रूर।